के रूप में काम कर रहा हूं। नार्कोटिक्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको चार स्तरीय किया गया, एनकोड पोर्टल, डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए, मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए JCC जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है इसका गठन किया गया, डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई, राष्ट्रीय नार्कोटिक कैनाइन पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नार्कोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है। अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब दिया, मान्यवर आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते, आंकड़े बेशर्म होते हैं और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं, आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। अब 2006 से एक सरकार थी यहाँ, UPA की सरकार थी, जिसको हम पर थोड़ा अविश्वास है। 2006 से 13 का समय उनका ही था, उसमें क्या हुआ है? जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी। मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी और 2014 से 22 तक 1,52,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 किलोग्राम ड्रग्स हमने जब्त किया। गोगाई जी 181% वृद्धि हुई और कीमत, गांजा पकड़ लेना, भांग पकड़ लेना एक बात है, जो महंगे और शरीर को ज़्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले जो नार्कोटिक्स के पदार्थ हैं वो कीमत से आडिट। मान्यवर 2006 से 13 में 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी।